वेलकम एवरीवन, टुडे आई एम सुपर एक्साइटेड जस्ट बिकॉज कि ये मेरा पहला लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम होने जा रहा है जहां पर मेरे सामने अभी कोई लाइव ऑडियंस नहीं है मगर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑडियंस है जो इस कैमरा के द्वारा वीडियो के द्वारा मुझे देख रहा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टुडे। यू नो 25th ऑफ दिसंबर एक मैं नई शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ कि जिससे मैं अपने घर से आपको अपने घर तक पहुंचा सकूं एक अमेजिंग मैसेज। आज का मेरा टॉपिक है सक्सेसफुल लाइफ। आई बिलीव आप सब सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं। आई बिलीव कि आप सब उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट भी दे रहे हैं। हम में से कोई मीडियोकर लाइफ नहीं जीना चाहता है। वी ऑल वॉन्ट टू लिव द फुलेस्ट। सो इफ आई आस्क यू, क्या सही में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं? कैन यू रेज योर हैंड इफ यस। बाय द वे, आप सोच रहे होंगे कि सर हाथ ऊपर करके क्या करें, आप तो हमें ये देख नहीं पाएंगे। बट चलिए एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को ऐसा ना मानकर हम देखें कि आप घर पे बैठकर देख रहे हैं या अपनी ऑफिस में या कहीं बाहर, ऐसा ही मान लेते हैं कि मैं और आप आमने सामने हैं। वी आर लाइव। और इस वजह से कहना चाहूंगा, पार्टिसिपेट, इन्वॉल्व हो जाइए। अगर कहीं मैं कोई सवाल पूछ रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे जवाब दे, या तो कहीं बोल करके, या तो कमेंट्स में टाइप करके, या फिर कभी हाथ ऊपर करके और कभी हाई फाई दे करके। जस्ट बिकॉज कि जितना आपका बॉडी इन्वॉल्व होगा उतना ही ज्यादा आपका माइंड इन्वॉल्व होने वाला है। सो मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि पार्टिसिपेट एंड दैट इज 100%। आपकी एनर्जी डाउन ना रहे। कहीं पर अगर मैं कुछ लिखने के लिए कहूं, जवाब देने के लिए कहूं, तो प्लीज कीप डूइंग दैट। कमेंट्स के द्वारा आप जरूर मुझे लिख सकते हैं। मेरी टीम कॉन्स्टेंटली अभी पढ़ रही है और मुझे बता रही है। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। काफी बार लोग हमेशा मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि स्नेह, आप इतनी कम उम्र पे इतनी जल्दी सक्सेसफुल कैसे हुए? एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी सक्सेस के पीछे का अगर कोई सबसे बड़ा राज है तो वो है LL। अब आप कहेंगे ये LL क्या है? फ्रेंड्स, इस LL को मैं कहता हूं लाइफ टाइम लर्नर। यानी कि मैं हमेशा सीखते रहता हूं। मतलब कि ना कि सिर्फ सेमिनार्स या वर्कशॉप के माध्यम से, ना कि सिर्फ कोई कोचेस के पास जाकर के, कोई संत महात्माओं के पास जाकर के, बट इवन मैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं से जितने लोगों से मिलता हूं, कोई भी सफल इंसान से, उससे कुछ सीख रहा हूं, कोई बातों के माध्यम से कहीं कुछ ऑब्जर्व करके, या फिर ये कहना चाहूंगा कि इवन कभी मैं स्काई डाइविंग सीखने के लिए गया तो कभी मैं ट्रैकिंग पर चले जाता हूं, जस्ट बिकॉज मैं अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहता हूं। और एक रूल याद रखिएगा, जितना आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे उतना ही आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आज आपने वक्त निकाला है इस वीडियो को देखने का। यू नो, जस्ट गिव मी अ हाई फाई एंड आई मस्ट अप्रिशिएट यू बिकॉज आप भीड़ से अलग है। दुनिया में कितने लोग हैं जो कुछ नया सीखना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो आज डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ, मैं कुछ नया अपग्रेडेशन चाहता हूं, और तभी जाकर वक्त निकालकर आपने इस वीडियो को चालू कर दिया है। सो दैट्स रियली अमेजिंग। आप भीड़ से 10 गुना आगे हैं। इसी को कहते हैं ओपन माइंड रहना। इसी को कहते हैं दोस्तों कि स्कूल और कॉलेज के बाहर भी पढ़ाई करना संभव है, जो रियल लाइफ की पढ़ाई है। अब मैं आपको आज के सेशन की ओर आगे लेकर चलूं, उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और टैग कीजिए अपने कुछ फ्रेंड्स को कि जिनको इस सेशन की आवश्यकता है। बिकॉज आज का मेरा सेशन 1 घंटे तक का है। हमने 4:05 पर शुरू किया है और 5:05 तक मैं लाइव रहने वाला हूं आपके साथ। ऑलराइट, सो टैग कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे पेज को लाइक ना किया हो, फॉलो ना किया हो तो कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। सो बेसिकली अभी मैं लाइव हूं फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। ऑलराइट, तो चलिए अब हम ये सेशन शुरू करते हैं जिसका नाम है सक्सेसफुल लाइफ। फ्रेंड्स, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ है जो कर सकते हैं। आपकी कैपेसिटी जो है
वो मैं कहना चाहूंगा कि 100% है सफल होने की। बट सवाल ये है कि क्या आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एक्शंस ले रहे हैं? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, बिकॉज कैपेसिटी होना, क्षमता होना अलग चीज है और उसे अमल में रखना टोटली एक अलग चीज है। और जब हम ये देखें कि हम कितना अमल में रख पा रहे हैं, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि शायद कैपेसिटी जितना है उसमें से हम गिन के 10% ही अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों? अगर ये नॉलेज जो हमारे पास है, जो क्षमता हमारे पास है, अंदर ही रह जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसके रिजल्ट्स हमें नहीं मिल सकते हैं। हम सभी को यह समझना होगा कि हमें अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमम लेवल पे यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। और आज का मेरा पूरा सेशन उसी पर है कि कैसे आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर जिंदगी जी सकते हैं, ये डूइंग को भी आप 100% तक कैसे पहुंचा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये करने के लिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, व्हाट इज रियल पावर? बहुत बरसों पहले जब इंसान एक आदि मानव के रूप में शुरू किया तो फिजिकल पावर ही सब कुछ था। फिर धीरे धीरे उसने वेपन्स बनाना शुरू किए शिकार के लिए, तो जो अच्छा वेपन यूज करता था जिस भी किस्म का, वो ज्यादा पावरफुल था। या फिर ये कहूं मैं आपसे कि दोस्तों जो इंसान उसके बाद ज्यादा जमीन एक्वायर करना शुरू किया वो पावरफुल बना। ये सारी बातें हिस्ट्री में लिखी हुई है और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े लोग आए उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर करने की कोशिश की। उसके बाद वक्त के साथ एग्रीकल्चर कभी पावर बना, पैसा पावर बना, या फिर मैं कहूं दोस्तों कि एक वक्त आया कि जब 2000 के साल के बाद नॉलेज पावर बनना शुरू हो गया। लेकिन द क्वेश्चन इज, आज पावर क्या है? डू यू थिंक आज भी पैसा पावर है या नॉलेज पावर है? मुझे लगता है कि ये दोनों दौर जा चुके हैं, आज एक नया दौर आया है। हम जब गूगल की दुनिया में जी रहे हैं, जब घर बैठकर आप ये वीडियो देख सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, तो सच्चा पावर अगर कुछ भी है तो वो पावर और कुछ नहीं मगर द पावर टू टेक एक्शन है। अब सोचिए कि जब गूगल के माध्यम से मुश्किल सवाल का जवाब हम एक मिनट में घर बैठकर पा सकते हैं, जरा सोचिए कि ऑक्सफोर्ड की डिग्री या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री भी आज ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से लोग पा सकते हैं, फिर आज की तारीख में नॉलेज का उतना महत्व अब नहीं रहा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो जानते हैं उसमें से कितना अपनाते हैं और वो ही आपकी सही पहचान है। दोस्तों अगर मैं यहां पर आकर ये कहूं कि आपकी हेल्थ अच्छी रखिए, सेहत अच्छी रखिए, मगर अगर मेरा ही बहुत बड़ा टायर हो तो आपको लगता है कि वो बोलने का कुछ मतलब रहा, या फिर किसी और को एडवाइस देकर हम अंबानी बना सकते हैं मगर खुद जब सफल होने की बात आती है तब क्या कर रहे हैं? एक्चुअली आप जो जानते हैं उसे अमल में रखना जरूरी है और वही आपकी सही पहचान बनने वाली है। बट फ्रेंड्स, टेकिंग एक्शन क्यों आसान नहीं है, क्यों हम जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं? आपने कभी भी एनालाइज करने की कोशिश की कि क्या है जो आपको रोक रहा है एक्शन लेने से, क्यों आप एक्शंस नहीं ले पाते हैं? आज के इस सेमिनार में ये सारी बातें हैं जो मैं कवर करने वाला हूं। तो अगर आप अभी अभी मुझे ज्वाइन किए हैं तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, टैग कर लीजिए। और अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं कि ये एक्शंस लेना क्यों जरूरी है और कैसे हम एक्शंस ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहां पर एक अमेजिंग फॉर्मूला देना चाहता हूं जो नेक्स्ट स्लाइड पर है, और इस फॉर्मूला को मैं नेचर्स लॉ कहता हूं, कुदरत का नियम। कुदरत का नियम यह है कि कोई भी चीज जब बनती है तो सच ये है कि ना कोई चीज शुरू होती है ना कोई चीज खत्म होती है, वो एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो चलते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पूनम और अमावस्या एक साइकिल है, दिन और रात एक साइकिल है, जीवन में सुख और दुख भी एक साइकिल ही है, तो उसी तरह से जन्म और मृत्यु भी एक साइकिल है जो चलते रहता है। अब ये जो नेचर का प्रिंसिपल है वो इतना अमेजिंग है कि जिसमें
जीवित और निर्जीव सभी लोग आ जाते हैं, लिविंग नॉन लिविंग एवरीथिंग। जैसे यहां पर मैंने एक माइक लगाया हुआ है, ये माइक कभी बना, कुछ सालों तक चलेगा और कभी उसका विनाश होगा। जैसे मैं खुद, कभी मेरा जन्म हुआ, कुछ उम्र तक मैं जीऊंगा और कभी मेरा मृत्यु होगा। अब ये रूल सभी के ऊपर अप्लाई होता है और इस वजह से हमारे संत महात्माओं ने बहुत बरसों पहले इस रूल को समझाने के लिए हमें तीन नाम दिए थे और वो हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक तीन नाम थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब आप कहेंगे कि सर ये नियम नहीं है, ये तो भगवान के नाम है। यस, बट जरा ये जो है भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर उसको इंग्लिश वर्जन में हम देखें तो उसका नाम है गॉड। वेस्टर्न लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग नामों में बिलीव नहीं किया, वो कहते हैं कि हम तो एक ही नाम में बिलीव करते हैं और वो है गॉड। और वहां पर हमारे संत महात्माओं ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको मालूम था कि उसका भी फुल फॉर्म क्या है, एंड दैट इज यू नो जी स्टैंड्स फॉर जनरेट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेट, एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रॉय। मतलब कि अब देखिए गॉड का भी यही फुल फॉर्म है, एंड दैट इज कि वो कोई भी चीज बनती है, चलती है और उसका विनाश होता है। और यही फॉर्मूला है, ब्रह्मा जी कोई भी चीज को बनाते हैं, विष्णु जी उसे चलाते हैं और महेश जो है उसका विनाश करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब सब कुछ इसी तीन नियमों के आधार पर चल रहा है तो जब कोई चीज बनी, चली और उसका विनाश हुआ तो उसके बाद क्या होगा? कभी भी आपने सोचने की कोशिश की है कि उसके बाद क्या होगा? एंड दैट इज कि वापस वो चीज एक नया रूप लेगी, नया जन्म लेगी और शुरू होगा। चलिए इसे थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाकर आपको समझाता हूं, जैसे आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्यों एक्शन लेने के लिए आपको कह रहा हूं और आप सोच रहे होंगे कि ये नेचर के लॉ को एक्शन के साथ कहां लेना देना है। बट लेट मी एक्सप्लेन यू मोर डीपर, ऑलराइट? सो इफ यू आर रेडी टू गो मोर डीपर सीखने के लिए, देन से यस, कमेंट में यस लिखिए। आई कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन। ओ यस, कपल ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड राइटिंग दैट, सो प्लीज कम ऑन, पार्टिसिपेट, इन्वॉल्व हो जाइए मेरे साथ। एंड दैट इज फ्रेंड्स, सी ब्रह्मा जी जो है वो कोई भी चीज को बनाते हैं और वो किसके ऊपर बैठे हैं? ओके, गिव मी आंसर, लिखिए कमेंट्स में, वो किसके ऊपर बैठे हैं? कौन सा फूल है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठते हैं? यस, बिल्कुल सही, एंड दैट इज लोटस। लोटस के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, कमल के ऊपर। और मुझे बताइए कि कमल किसमें खिलता है? हाँ, वो कीचड़ में खिलता है। एग्जैक्टली वैसे काफी बार हम अपने ईश्वर, अपने भगवान को ये कहते हैं कि भगवान मुझे इतनी तकलीफ क्यों तू दे रहा है, या फिर मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम्स क्यों है, मेरा परिवार मुझे साथ क्यों नहीं दे रहा, मेरे आजू बाजू इतने निगेटिव माहौल क्यों है। बट मैं सच कहूं आपसे, जिस तरह से ब्रह्मा जी एक कमल के ऊपर बैठे हैं, जो कमल कीचड़ में खिलता है, एग्जैक्टली वैसे आप सभी के आसपास कितना भी नेगेटिव माहौल ही क्यों ना हो, आप सभी के आसपास कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, उस कीचड़ में आपको एक कमल की तरह खिलना होगा। और जब आप ये करेंगे तो ये बेस्ट पूजा पाठ होने वाला है। तो ब्रह्मा जी को, यानी कि अपने ईश्वर भगवान या खुदा को जाकर ये ना बताइए कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, बट उसका सामना कीजिए, उसमें से बाहर निकल आइए। विष्णु जी, भगवान विष्णु जो है वो शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी माँ जो है उनके पैरों में है। अब हम कहते हैं कि लक्ष्मी माँ जो है वो विष्णु जी के पत्नी है। आइए अब इसे अलग नजरिए से देखते हैं। ये शेषनाग और कुछ भी नहीं, मगर सच कहूं तो हमारे मन में खड़े होने वाले नेगेटिव विचार है, शक और सवाल है। और जब आप अपने अंदर के ही नेगेटिव विचार, शक और सवालों से ऊपर उठना शुरू कर देंगे ना, तो मां लक्ष्मी को आपके पास आना ही पड़ेगा। मतलब कि आप अपने जीवन में समृद्धि पाएंगे ही पाएंगे। बट फ्रेंड्स, ये जो नेगेटिव विचारों से ऊपर उठने की बात है, उस पर छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बार कुछ फ्रॉग्स, कुछ मेंढक, 20 फ्रॉग्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। और जैसे आपको पता है कि जो फ्रॉग्स है वो कूद कर जाते हैं, तो उसमें से 4 से 5 एक कुएं में गिर गए। जो 15 बचे हुए थे वो कुएं की गहराई देखकर उन्हें बताते हैं कि भाई कुआं काफी गहरा है, आप लोग कभी इसमें से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो अंदर जो 5 गिर चुके थे वो कोशिश तो कर रहे थे, बट उसमें से 5 मिनट के बाद पहले ने कोशिश बंद कर दिया, दूसरे ने 10 मिनट के बाद, तीसरे ने 15 मिनट के बाद कोशिश बंद कर दिया, चौथे ने 20 मिनट के बाद,
मगर आधा घंटा चले गया, बहुत ज्यादा वक्त चले गया, वो पांचवा जो था वो कोशिश करते रहा, और जो ऊपर बचे हुए हैं वो उसे समझाते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम वहीं पर रहोगे, पूरी जिंदगी तुम्हें अब यहीं पर काटनी पड़ेगी। लेकिन वो कोशिश करते गया करते गया करते गया, और नतीजा ये आया कि 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद अचानक से वो बाहर निकल आया। जब वो बाहर निकल आया एवरीबडी वो शॉक्ड कि उसने ये कैसे कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो जो बाहर निकल आया वो तो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। अब जरा आप सोचिए कि उसे तो ये लगा जब वो ऊपर देख रहा था कि वो लोग मुझे मना नहीं कर रहे, वो लोग दूसरे 15 ये कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं एक और बार ट्राई करूं, और वो ट्राई करते गया और उसमें से बाहर निकल आया। एग्जैक्टली वैसे आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी से तो ऊपर उठना ही है, मगर इस कहानी से यह भी समझना है कि कहीं कहीं आपको बहरा भी बन जाना पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई आपको कुछ नकारात्मक बात बताए तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे सच मान लो, उसका मतलब ये नहीं है कि उसे स्वीकार लो। ये कैसी बात हुई पता है, कि अगर कोई आपकी थाली में जहर परोसे तो क्या उसे पी लेना जरूरी है? आई डोंट थिंक सो। और इस वजह से आपको हमेशा इस बात को चुनना होगा कि मैं किन चीजों को मानूं और किन चीजों को ना मानूं। आपको चुनना पड़ेगा कि जो लोग आपसे कह रहे हैं उसमें से कितना काम का है और कितना काम का नहीं है। सो चूज वाइजली, और जो अच्छी बातें पॉजिटिव बातें हैं जब वो चूज करके आप आगे बढ़ेंगे तो प्रोग्रेस करना बहुत इजी हो जाएगा। और अगर ऐसे आसपास लोग हैं कि जो ज्यादा नेगेटिव कहते हैं तो कोशिश करिए कि आप उनसे दूर रहे, कोशिश करिए कि आप उनको छेड़ने के लिए ना जाइए, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स ना करें। फ्रेंड्स, उसके बाद जब हमने ब्रह्मा जी के बारे में समझा, विष्णु भगवान के बारे में समझा, महेश के बारे में बात करें, तो महेश जो है वो विनाश करते हैं। लेकिन जरा सोचिए विनाश के बाद क्या होगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के संतान के बारे में आपने नहीं सुना है, मगर महेश के संतान के बारे में सभी ने सुना है, और वो है कार्तिकेयन और गणेश। यस, गणेश जी जो है वो शुभ शुरुआत करते हैं, वो हमेशा एक नया बिगिनिंग लेकर आते हैं, एक नया स्टार्ट लाते हैं, प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे जहां पर विनाश होगा वहां पर कुछ भी अटकने वाला नहीं है, वहीं से एक नई शुरुआत होगी। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में अभी लॉसेस है, अगर आप कहीं फेल हुए हैं, कहीं डिप्रेशन में है, या कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में अभी अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप महेश के स्टेज पर हैं। और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज कि अगर आप महेश के स्टेज पर हैं तो गणेश जी बहुत जल्दी आने वाले हैं। मतलब कि आपके प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व होंगे, जरूर आपको रास्ता मिलेगा, मगर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज जो इस सेमिनार के स्टार्ट में मैंने कही थी, दैट इज टेक एक्शंस। सी, कोई भी बुरे वक्त से अच्छे वक्त में जाने के लिए हमें सिर्फ राह नहीं देखनी है, हमें एक्शंस लेने हैं, सही एफर्ट्स देनी है। बिकॉज चमत्कार होता नहीं है, चमत्कार करना पड़ता है, और जो सिर्फ और सिर्फ आपकी एफर्ट्स के द्वारा होने वाला है। फ्रेंड्स, जैसे अभी आप मुझे लाइव देख रहे हैं, इसी का एक मेटाफर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए अगर अभी मुझे बीच में खांसी आ जाए और मैं शायद बोल ना सकूं, या फिर मान लीजिए कि अचानक से यहां से कुछ गिर जाए, कुछ आवाज आ जाए, या मान लीजिए कि कहीं मे बी इंटरनेट बंद हो गया, लाइट बंद हो गई, कुछ भी हो गया, मुझे क्या करना है, क्या उस वजह से रुक जाना है? नो, द शो मस्ट गो ऑन। एग्जैक्टली वैसे ये जिंदगी जो है ना वो एक ड्रामा के बराबर है, नाटक के बराबर है, और उसका मतलब क्या होता है पता है, ना अटक, जो अटकना नहीं चाहिए। तो अगर आपकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, डजंट मैटर, दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए आगे बढ़िए, मगर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर आप रुके तो आपके लिए ना लोग रुकने वाले हैं, ना वक्त रुकने वाला है, ना दुनिया रुकने वाली है। तो मैं जरूर कहूंगा, चाहे कोई आपको छोड़कर चले गया, चाहे परिवार में कोई गुजर गया, या कितना भी बड़ा लॉस हो गया, मगर आपको चलते रहना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक चीज है जो करते रहना पड़ेगा, एंड दैट इज टेकिंग एक्शंस। जिस दिन आपने एक्शन लेना बंद कर दिया, रिमेंबर, आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे, और आपका स्टैग्नेंट होना आपकी पूरी जिंदगी को स्टैग्नेंट कर देगा। सो इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट, और अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में मुझे लिखिए यस,
एंड मैं समझ जाऊंगा कि ये बात आपके दिमाग में अब बैठ चुकी है. कम ऑन गाइस, राइट टू मी एंड आई विल नो एग्जैक्टली कि हाँ आपके दिमाग में ये बैठ चुका है, आप कन्विंस्ड हैं और आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं. फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेकर चलूं और मैं आपको बताऊं कि और कैसे आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में. ऑलराइट, ऑसम, ग्रेट वर्क. मैं देख सकता हूं कपल ऑफ यसेस एंड नाउ. अब सिर्फ एक्शन नहीं लेना है, आपको एक और चीज करनी है और वो क्या है पता है? डिमांड मोर. अगर आप लिख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए डिमांड मोर. जस्ट राइट डाउन डिमांड मोर, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आप सुने बट वो आपकी मसल मेमोरी में भी उतरे और जो टाइप करने से होगा. अब ये डिमांड मोर का मतलब सिंपल है, अपने आप से ज्यादा और ज्यादा डिमांड कीजिए. अब जब मैं कह रहा हूं कि अपने आप से ज्यादा और ज्यादा डिमांड कीजिए तो क्या मतलब है इसका? आप में से अगर कोई भी कभी जिम में गए होंगे तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ये एक मसल है, अगर इसका कैपेसिटी 5 किलो का है और आप इसे 7 किलो का वजन देंगे तो कैसे भी करके आपने 1 काउंट 5 काउंट और 15 काउंट किए. मुझे बताइए जब आप ये 1 हफ्ते तक कंटिन्यूअसली करेंगे फिर क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो मसल का कैपेसिटी 7 किलो का डेवलप हो जाएगा. उसके बाद शायद आपको 10 किलो का वजन देना पड़ेगा और फिर क्या होगा, वापस आप कुछ हफ्ते प्रैक्टिस करेंगे और उसका कैपेसिटी 10 किलो का डेवलप होगा. एग्जैक्टली वैसे जब आपने अपने बॉडी से ज्यादा डिमांड किया तो ऑटोमेटिकली मसल ने, बॉडी ने ज्यादा एनर्जी को जनरेट किया. आपको पता है बहुत बरसों पहले भगवान राम ने जब भीड़ में पूछा कि मेरे लिए कौन जाएगा लंका जानने के लिए कि मां सीता कैसे है, तो सभी भीड़ में से एक ही बाहर निकलकर आए थे जो कहते हैं कि मैं जाऊंगा. कौन थे वो मुझे बताइए, कमेंट में नाम लिखिए. यस, कम ऑन, राइट डाउन. किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर? यस, बिल्कुल सही, हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं. दोस्तों हनुमान जी सामने से चल के आए, लेकिन सवाल था क्या हनुमान जी को तब मालूम था कि वो कैसे लंका जा पाएंगे, कैसे इतना बड़ा सागर पार कर पाएंगे? नो, बस दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. उन्होंने जब अपने आप से ज्यादा डिमांड किया, जब एक बड़ा सपना देखा कि मैं नामुमकिन काम को मुमकिन करूंगा, तो उनको नहीं पता था कि उनके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो उड़ सकते थे, मगर उनको कोई बताने वाला मिला, उनको कोई सिखाने वाला मिला. एग्जैक्टली वैसे जब आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा टारगेट सेट करेंगे और अपने आप से ज्यादा डिमांड करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको भी एक नई एनर्जी मिलेगी, आपको भी रास्ता दिखाने वाले लोग मिलेंगे, आपको भी कोई ऐसा टीचर या गुरु मिलेगा, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपसे वो काम जरूर करवाएगी. बट देन उसके लिए आपको बस एक ही चीज करना है, दैट इज डिमांड मोर. बट यू नो व्हाट, जब मैं कह रहा हूं डिमांड मोर, इंटरेस्टिंगली आपके अंदर से ज्यादा एनर्जी कब निकलती है? तब जब आप बहुत सफल हैं या फिर तब जब आप हार चुके हैं, तब जब अच्छे दिन चल रहे हैं या जब बुरे दिन चल रहे हैं. सच कहूं बुरे दिनों में, फेलियर्स में, जब एक्चुअली नीड है ना अपने अंदर, तभी जाकर अपनी बेस्ट एनर्जी बाहर निकलती है. कभी कभार अच्छे दिनों में तो हम थोड़े आलसी भी हो जाते हैं. फ्रेंड्स यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन माई लाइफ ये एक रियलिटी है मेरी जिंदगी की कि 17 साल की उम्र पे जब मेरे पिता ने मुझे 22 लाख रुपए का कर्जा दिया था, वो ही मेरे लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट था कि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे लाइफ में कुछ करना पड़ेगा. मगर सोचो अगर मुझे प्रॉब्लम ना मिला होता, अगर मेरे ऊपर बोझ ना आया होता, तो क्या कभी भी मैं आज इस लेवल तक पहुंचता? नेवर, ये संभव नहीं था. क्योंकि याद रखिएगा, कंफर्ट जोन में रहकर ग्रोथ कभी नहीं हो सकता है. और इस वजह से जब आप बोझ में आएंगे, कभी लॉस में जाएंगे, तो कभी जीरो पर होंगे. हाँ, मैं जीरो फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, बट रियल लाइफ में जब आप जीरो पर कभी चले जाएंगे, तो वो आपके अंदर से ज्यादा चीजों को डिमांड करवाने वाला है. एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली इज डेस्परेशन. सच कहूं जो इंस्पिरेशन से नहीं होता है ना, वो डेस्परेशन से होता है. और ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड मोर के कंसेप्ट के ऊपर काम करने वाला है. तो अपने आप से ज्यादा डिमांड कीजिए, सिर्फ नॉर्मल एक्शन नहीं, हर बार अपनी एक्शन को इंप्रूव कीजिए, 1-1% अपने आप को बेहतर बनाते जाइए ईच एंड एवरी डे. कल जो पढ़ाई किया था आज 1% बेहतर करना है, कल जो एक्सरसाइज किया था आज 1% बेहतर करना है, कल जो ऑफिस में काम किया था आज 1% बेहतर करना है. 1% ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं,
कल अगर 1 घंटे पढ़ाई किया था, आज 1 मिनट ज्यादा करना है। कल 1 किलोमीटर वॉक किया था, आज 4 कदम ज्यादा चलना है। बट जरा सोचिए, अगर 1% आप अपने आप को हर दिन इंप्रूव करते जाएंगे तो वो 1 साल के बाद कितना होगा? इट्स गोना बी ह्यूज। जब 1 साल के बाद कोई आपको देखेगा, मिलेगा, उसे मिलकर कहना पड़ेगा कि यार तू बदल गया है। बस दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हर दिन अपने आप से थोड़ा ज्यादा डिमांड कीजिए, थोड़ा ज्यादा डिमांड कीजिए, कंफर्ट में ना रहे। अब एक्शन लेने से आपको क्या रोकता है पता है? ये वर्ड, जस्ट चेक दिस आउट, फियर। हमें डर लगता है एक्शन लेने से। अब यू नो फियर का एक फुल फॉर्म है, कुछ लोग मानते हैं फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, सब कुछ भूल करके भागो, ये है फियर कुछ लोगों के लिए। बट वो लोग थोड़ी प्रोग्रेस करने वाले हैं। एक्चुअली फियर का फुल फॉर्म मैं आपको आज नया देना चाहता हूं, जो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में भी लिख दीजिए कि जिससे आपके माइंड में रजिस्टर हो जाए। और फियर का सच्चा फुल फॉर्म होगा फेस एवरीथिंग एंड राइज। मतलब कि हर एक परिस्थिति का सामना कीजिए और ऊपर उठ जाइए। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद ने ये राइज शब्द को बहुत अमेजिंगली हमें बताया है। वो हमेशा कहते थे कि जागो, उठो, यानी कि राइज अप और अपने गोल्स के पीछे लग जाओ। बस एग्जैक्टली वैसे यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि फियर का ये फुल फॉर्म है, तो फियर की वजह से आपको रुकना नहीं है। अगर आप फियर की वजह से रुकेंगे ना, तो आप कभी अपने गोल्स तक पहुंच नहीं पाएंगे। और फियर रियल नहीं होते हैं, फियर खड़े होते हैं एजम्पशन के द्वारा। मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूं, बिकॉज मुझे भी याद है कभी मेरी जिंदगी में, जब कभी मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मुझे याद है कि मैं अपने स्कूल में हिम्मत करके, हाथ ऊपर करके अपने टीचर से सवाल नहीं पूछ पाता था। मेरे अंदर भी कभी फियर था। हाँ, मेरे अंदर, मतलब कि अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं और आप सोच रहे कि मैं इतना अच्छा तो आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, तो क्या मेरे अंदर फियर था? यस था। मैं एक ऐसा बच्चा हुआ करता था जो फैमिली में भी भीड़ में कहीं कोने में बैठता था। आई वॉज अ इंट्रोवर्ट, हाँ ये मेरा सच है। बट मैंने वक्त के साथ समझना शुरू किया कि अगर मैं ऐसा ही रहूंगा तो मैं लाइफ में ग्रो नहीं करने वाला। और मैं ग्रोथ चाहता था, मैं सक्सेसफुल लाइफ चाहता था, जो आप सब चाहते हैं। तो एक बात तो पक्की है कि फियर को साथ रख के उसका सामना करना पड़ेगा और उसके बावजूद एक्शन लेने पड़ेंगे। बट फियर में देयर आर टू ऑप्शंस। जैसे जो बच्चा एग्जाम में फेल हुआ उसे एग्जाम का फियर था, मगर जो बच्चा एग्जाम में फर्स्ट भी आया ना, उसे भी एग्जाम का तो फियर था। बस दोनों में फर्क क्या था पता है? एक जो फेल हुआ वो एग्जाम के डर की वजह से पढ़ाई बराबर नहीं किया, दूसरा एग्जाम के डर की वजह से बहुत अच्छी पढ़ाई किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? अगर आपको फ्यूचर का डर है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे उसका डर है, तो डर में रहकर एक्शन ना लेना कोई रिजल्ट नहीं देगा। मगर वो डर है, इसी वजह से तो एक्शन लेना है, इसी वजह से तो हमें अपना बेस्ट देना है। और जब आप अपना बेस्ट देंगे तभी जाकर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। बट लेट मी आस्क यू, क्या आप फियर तोड़ना सीखना चाहेंगे? कम ऑन, रिप्लाई मी गाइस, कम ऑन। इस तरह से नहीं चलेगा, आपको कुछ लिखना पड़ेगा तो ही मुझे पता चलेगा कि आपके दिमाग में भी कुछ उतर रहा है। सो टेल मी, क्या आप सीखना चाहेंगे कि फियर कैसे तोड़ा जाए? बिकॉज मैं ये इसलिए जानता हूं क्योंकि जो लोग मेरी कहानी जानते हैं वो जानते होंगे कि आई एम अ स्काई डाइवर, वो जानते होंगे कि मैं अभी तक 225 बार चलते हुए प्लेन से 12,000 फीट की ऊंचाई से कूद चुका हूं पैराशूट लेकर। कि जब हर बार मैंने अपनी मौत को सामने देखा है, स्काई डाइविंग को दुनिया का सबसे डेंजरस और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कहा जाता है, एंड हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं वो स्पोर्ट कर पाता हूं? द ओनली रीजन इज कि मैं जानता हूं कि फियर को कैसे तोड़ा जाता है। Would you like to learn that? Come on, reply me. Would you like to learn that? Yes. Then, मैं आपको यहां पर एक amazing technique सिखाता हूं। ध्यान से सुनना, friends. Fear को face करना is like एक muscle को develop करना। जैसे अभी मैं जिम का example दे रहा था कि जैसे जैसे वो dumbbell use करते जाएंगे तो आपके muscle develop होते हैं।
एग्जैक्टली वैसे, जैसे जैसे आप उस परिस्थिति का सामना करते जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका फियर डिसॉल्व हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मेरा एक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को मेरी तरह स्टेज पर आकर बोलना सिखाते हैं। अब आपको पता है वो 8 दिन के प्रोग्राम में हम लोगों को 15 बार स्टेज पर लाते हैं स्पीच देने के लिए, और ऐसे लोग जो पहले दिन स्टेज पे आके रोने लगे, ऐसे लोग जो ऑडियंस को देख के डर जाए, वो 7वें 8वें दिन तक बेस्ट स्पीकर का अवार्ड लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ खास सिखा देते हैं, मगर वो पहले फियर की वजह से कभी स्टेज के ऊपर आते ही नहीं थे, क्योंकि स्टेज का फियर था, पब्लिक का फियर था। हमने यहां पर उनको फोर्सफुली जब स्टेज पे लाया तो नतीजा ये आया कि उनका फियर अपने आप जाने लगा, क्योंकि उनका माइंड जब वापस और वापस उस परिस्थिति को फेस करने लगा तो उसके लिए कंफर्टेबल हो गया। एग्जैक्टली वैसे मैंने जब पहली बार स्काई डाइव किया था तो बहुत डर लगा था, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं बार, धीरे 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 वो मेरे लिए आसान बनते गया। एग्जैक्टली वैसे जिस चीज का आपको फियर है, फेस इट, सामना कीजिए उसका, भागना नहीं है, फेस इट। और जब आप फेस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो फियर डिसॉल्व होगा। लेकिन इसमें मैं आपको एक अमेजिंग प्रोसेस, एक अमेजिंग टेक्निक देता हूं। दोस्तों ये जो अमेजिंग टेक्निक है उसे मैं कहता हूं सेकंड टेक्निक, बट द सीक्रेट ऑफ दिस इज 5 सेकंड टेक्निक। अब आप कहेंगे 5 सेकंड मतलब क्या है? मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जो 5 सेकंड के अंदर आपके फियर को ब्रेक करेगा और आपको एक्शन लेने के लिए तैयार करेगा। मैं आपको यह सिखाने के लिए जा रहा हूं। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी गाइस? ऑलराइट देन, सो यू नो अगर आप रेडी है तो आपको मैं एक साइकोलॉजिकल सीक्रेट बताता हूं। डू यू नो कि आप जब डिसाइड करते हैं कि मैं कुछ करूं, जितना डिले करेंगे उस चीज को करने में उतना ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाता है वो चीज करना। छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसा करना नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। मन हुआ कि इस साले को थप्पड़ मार दो, अगर आपने 2-4 क्षण वेट कर लिया उसके बाद क्या हाथ उठता है? शायद नहीं। एग्जैक्टली वैसे जितना डिले करोगे ना, एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। इस टाइप के सेमिनार जब भी आप देखिए, उसके बाद आपके दिमाग में जब भी कुछ आइडिया आया है, एक्शन प्लान आया है, तो क्या करना चाहिए पता है? तुरंत उसे अमल में रखना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे वो मेहनत करना हो, क्योंकि जितना डिले करेंगे ना उतना एनर्जी कम हो जाएगा। सो 5 सेकंड टेक्निक बहुत सिंपल है, जो मैं बरसों से अपनाता हूं। जब मुझे कभी डर लगता है, चाहे आज ये वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुआ वो तब का हो सकता है, कभी स्काई डाइविंग का हो सकता है, जब भी मुझे डर लगता है तो मैं अपने माइंड में क्या करता हूं पता है? मेरे साथ काउंट कीजिएगा आप भी अपने माइंड में, और वो है 5 4 3 2 1। एंड द मोमेंट में 1 पर आता हूं, अपने आप को मैं गो बोलता हूं, और गो बोलकर वो परिस्थिति का सामना कर लेता हूं, वो काम कर लेता हूं जिसका मुझे डर लगता है। बिकॉज मुझे एक चीज पता है कि अगर मैंने ज्यादा डिले किया ना, 5 घंटे निकल गए तो डर बढ़ जाएगा, 5 दिन निकल गए तो और भी डर बढ़ जाएगा, और अगर 5 महीने गुजर गए तो वो हो ही नहीं पाएगा। इस वजह से जब भी फीलिंग आया कि मुझे कुछ करना है, द सिंपल आइडिया इज काउंट 5 सेकंड्स एंड सिंपली डू इट। इतना ज्यादा मत सोचो, चाहे वो सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, पढ़ाई, मेहनत, डिसीजन लेना, या फिर कोई मीटिंग का सामना करना, स्टेज पर आना, एग्जाम हॉल में जाना, कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी को प्रपोज करना ही क्यों ना हो, बट काउंट 5 to 1, डू इट, क्योंकि तो ही एक्शन आप ले सकते हैं। एक्शन लेने के लिए जितनी लंबी तैयारियां करोगे ना, उतना अटक जाओगे, उतना फियर बढ़ जाएगा। इस वजह से लंबा सोचो मत। मैं कभी कभार लोगों को मेरे चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में, जो हमारा 2 दिन का 20 घंटे का वर्कशॉप है, जो मेरा सिग्नेचर इवेंट है फ्रेंड्स, उसमें फायर ईटिंग करवाता हूं, मतलब कि जलती हुई रुई जो लोग अपने मुंह में डाल देते हैं। अब आप सोचिए ये कैसे संभव है कि वो जलती हुई रुई लोग अपने मुंह में डाल सके, और तब मैं उनको यही सीक्रेट देता हूं कि जब वो रुई हाथ में हो और जब वो जले, उसके बाद सोचना नहीं है, सोचने गए तो गए। और इस वजह से ये ना 5 सेकंड वाली जो टेक्निक है ना, वो आपको सोचने का मौका नहीं देती,
5, 4, 3, 2, 1 एंड डू इट. इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर कुछ लोगों को इवन इस वीडियो के नीचे लाइक बटन या सब्सक्राइब करने में भी डर लग रहा हो तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ. 5, 4, 3, 2, 1 क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. इट्स सो इजी है ना. सी फ्रेंड्स, आई वाज जस्ट किडिंग, जोकिंग, बट देन दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक. बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और साइकोलॉजिकल रिसर्च जो हो रहे हैं वो यही समझाते हैं कि इसी तरह से एक्शंस लिए जाते हैं, अदरवाइज कभी हिम्मत नहीं खुलने वाली है. मैं कभी कभार अपने सेशंस के दौरान एक टेक्निक करवाता हूं मेंटल हाउस क्लीनिंग की, जिसमें लोग काफी लोगों को माफ करते हैं और फिर उन्हें फोन करते हैं थैंक्स कहने के लिए या कोई दिल की बात बताने के लिए या सॉरी कहने के लिए. एंड यू नो व्हाट, इट इज सो अमेजिंग कि वहां पर जब भी कोई अटकता है तो मैं उसे एक ही चीज कहता हूं कि हिम्मत कर, अभी कह दे. अगर अभी नहीं हुआ तो शाम को घर जाके या दो दिन के बाद तो नहीं कह पाएगा, वो हिम्मत जुटाना मुश्किल हो जाएगा. सो द टेक्निक इज सिंपल, जब फोन करो 5, 4, 3, 2, 1 एंड जस्ट कह दो. सो रिमेंबर दिस, फियर को तोड़ना है, 5 second टेक्निक को यूज करना है और एक्शन लेना है. सो जब आप इतना सब कुछ समझ रहे हैं तो मैं आपको साइकोलॉजी की और ज्यादा गहराई में लेकर चलता हूं. Are you ready to go more deeper? Oh yes. क्योंकि अभी भी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है जब मैं आपके साथ बात करने के लिए जा रहा हूं कि यू नो साइकोलॉजी कैसे काम करती है और अगर एक्शन लेना इतना आसान है तो सभी क्यों नहीं ले पाते हैं और इसका सीक्रेट समझ लीजिए. अगर आज ये सीक्रेट आपने समझ लिया ना तो आपको कभी भी किसी के मोटिवेशन की या सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है. सी फ्रेंड्स, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप बहुत सारे दूसरे मोटिवेटर्स के, ट्रेनर्स के, कोचेस के वीडियोस भी देखते होंगे. गुड, अच्छी बात है, देखना चाहिए. बट यू नो व्हाट, होता क्या है, हम 4 दिन मोटिवेटेड रहते हैं, फिर हवा निकल जाती है, फिर वापस एक वीडियो देखते हैं, वापस 4 दिन मोटिवेटेड रहते हैं और वापस हवा निकल जाती है. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारा मोटिवेशन बाहर डिपेंडेंट है और सच कहूं सच्चा इंस्पिरेशन अंदर से ही निकल सकता है. ऑल मोटिवेशन इज सेल्फ मोटिवेशन. तो कैसे हम अंदर से वो एनर्जी और मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं एक्शन लेने के लिए? आपको वापस मुझ पर या किसी और पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े एक्शन लेने के लिए मैं आपको एक ऐसी टेक्निक देना चाहता हूं. बिकॉज जो लोग नए हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा, फ्रेंड्स मैं मोटिवेटर नहीं हूं, मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाला इंसान नहीं हूं. अगर मोटिवेशन ही मुझे आपको देना था तो प्रोबेबली यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है. मैं आपको साइकोलॉजिकल टेक्निक्स भी साथ साथ समझा रहा हूं बिकॉज आई एम अ बिहेवियरल थेरापिस्ट. मैं लोगों के अंदर की पैटर्न्स को रीड करता हूं और उस पैटर्न्स में शिफ्ट लाने की हमारी कोशिश है. सो इट इज नॉट अबाउट प्रीचिंग बट इट इज अबाउट रीचिंग. मतलब हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं बट प्रैक्टिकल टेक्निक भी सीख रहे हैं कि जिससे हम वो शिफ्ट को क्रिएट कर सके. सो वैसा ही एक पावरफुल और प्रैक्टिकल टेक्निक जो मैं अपने चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में, जो पूरा 20 घंटे का वर्कशॉप है, उसमें सिखाता हूं, उसमें से निकाल करके आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं. अब सीधी बात है, वो 20 घंटे में जो मैं देता हूं वो तो 1 घंटे में मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वहां का माहौल बहुत अलग है, वहां का लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अलग है. वो ए से जेड तक लोगों के लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, दैट इज अमेजिंग. बट फिलहाल एक छोटा सा उसमें से टेक्निक है एंड दैट इज पेन प्लेजर प्रिंसिपल. अब ये जो पेन प्लेजर प्रिंसिपल है उसे हिंदी में आप सुख दुख भी कह सकते हैं. दोस्तों हम हमेशा पेन से यानी कि दुख से दूर होना चाहते हैं और सुख के ज्यादा करीब आना चाहते हैं. हमारा माइंड जहां से उसे सुख मिलता है वो करता है. एग्जाम्पल, हम में से बहुत लोगों को एक बुरी आदत होगी, प्रोक्रास्टिनेशन, डिले करना, डिले करना, डिले करना. आज नहीं, शाम को करूंगा, कल करूंगा, परसों को करूंगा. हम डिले क्यों करते पता है? क्योंकि अभी वो काम करना पेनफुल है और डिले करके बाद में करना इस क्षण में हमें सुख देता है. वैसे ही पढ़ाई बाद में करूंगा तो अभी सुख मिला, दुख को हमने फ्यूचर में डाल दिया. अब हम लोग जो भी करते हैं ना उसके अंदर आप ये पेन प्लेजर प्रिंसिपल देख पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड किया था कि हम डाइट करेंगे मगर घर पे कोई अपनी फेवरेट डिश बन गई तो अभी उसको खाना हमें सुख दे रहा था इसीलिए हमने वो एक्शन ले लिया. या फिर सुबह अलार्म बजा और अभी तो थोड़ा ठंड का माहौल है
तो आप जरा सोचिए कि वो अलार्म को स्नूज करके अब वापस ब्लैंकेट के अंदर चले गए, वो आपको कहीं सुख दे रहा था, उठ जाना तुरंत ही वो दुख दे रहा था। एग्जाम्पल, कोई अगर स्मोकिंग भी कर रहे हैं या शराब भी ले रहे हैं तो उनके माइंड में कहीं फीलिंग क्या है, सुख का। इसी वजह से वो लोग इस तरह से एक्शन ले रहे हैं जो भले उनके बॉडी को लंबे समय पे दुख देने वाला है, मगर इस क्षण में उनको सुख मिल रहा था, उन्होंने किया। फ्रेंड्स, हमारे सारे एक्शन सुख और दुख के अंदर ही चलते रहते हैं। अब आप अगर कोई चीज से दूर होना चाहते हैं, कोई चीज को करना बंद करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप से एक ही सवाल करना चाहिए, और वो सवाल है कि मुझे इससे कितना पेन मिल रहा है। ये आपको हेल्प करेगा उस चीज से दूर होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लिस्ट बना सकते हैं, अगर स्मोकिंग से दूर होना है, अल्कोहल से दूर होना है, गुस्से से दूर होना है, कोई भी बुरी आदतों से दूर होना है, तो उसका टाइटल, वो आदत का नाम, और नीचे 5, 10, 15, 20 पॉइंट लिखिए कि उसने आपको कितना नुकसान कराया है। और जब आप वो लिखे ना, तब हो सके उतने इमोशन को अंदर डाल कर लिखिएगा। इससे क्या होगा पता है, जब तक आप 5, 10, 15 पॉइंट लिखेंगे ना, तब तक तो आपका माइंड इतना ज्यादा पेन फील करेगा और वो आपको एहसास कराएगा कि ये चीज को क्यों छोड़ना जरूरी है। फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मानो आपको गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हो, मगर अगर कभी गुलाब जामुन आपने 4 खाए, फिर 8, और किसी ने फोर्स करके आपको 15-25 गुलाब जामुन खिला दिए, धीरे धीरे ना उसके लिए पेन बढ़ना शुरू हो जाता है और वो बर्दाश्त नहीं होता, और लोग फोर्स करके आपको खिला रहे, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि शायद वो बाहर निकल आए। एंड यू नो व्हाट, उसकी वजह से क्या होगा, एक ऐसा माइंड में पेन क्रिएट हो जाएगा गुलाब जामुन को लेकर कि अगली बार गुलाब जामुन जब आप देखेंगे तो नॉट नेसेसरी कि जो आपकी फेवरेट डिश अभी तक थी वो फेवरेट रहे, बिकॉज उसने आपको पेन दिया। एग्जैक्टली वैसे जो भी चीज आप दूर होना चाहते हैं, रिमेंबर दिस थिंग फॉर श्योर कि आपको उसके लिए पेन क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं आपको पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी वो एक आदत है कि जिससे आप दूर होना चाह रहे हैं, कमेंट में लिखिए, कि जिससे मुझे भी पता चले कि क्या है जो आप अपनी जिंदगी से हटाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। गुस्सा है या फिर आलस है, तम्बाकू, पान मसाला, सिगरेट या शराब, या फिर वो किसी के लिए बहुत ज्यादा वक्त वीडियो गेम खेलना हो सकता है। सो व्हाट इज इट, जस्ट राइट इट डाउन। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स, एंड मैं सुनना चाह रहा हूं। ओके, सो यहां पर राकेश चौधरी है जो मुझे बता रहे हैं कि वो डब्बे को छोड़ना चाह रहे हैं। वंडरफुल श्रद्धा, गुस्सा, ऑसम वर्क, यू नो आई एम रियली रियली हैप्पी फ्रेंड्स कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सी, सही में यहां पर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि दूसरे अगर कोई ये कमेंट पढ़ेंगे तो वो क्या सोचेंगे। सी, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि दुनिया क्या सोच रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, और जब हमें मालूम है कि हम जो करना चाह रहे हैं वो सही है, सो दैट्स ओके। कोई पढ़ेगा, कोई कुछ कहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट दैट्स अ ग्रेट डिसीजन जो आज आपने लिया है। तो प्लीज 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 मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लिस्ट बनाइए कि उस चीज ने आपको कितना पेन दिया है। एग्जाम्पल, टाइटल गुस्सा है तो उसकी वजह से आपका कितना ब्लड प्रेशर बढ़ा, आपकी खुद की सेहत कितनी खराब हो रही है, आप खुद कितने तनाव में रहते हैं, उसकी वजह से आपने कितने लोगों को अभी तक दुख पहुंचाया या नाराज किया है, उसका लिस्ट बनाइए। और जब आप ये असाइनमेंट पूरा करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उस चीज से दूर होना आपके लिए ईजी हो जाएगा। और ये लिस्ट आने वाले 7 दिनों तक, मैं तो बोलूं सेम टू सेम लिस्ट बनाइए, बट ये आपके माइंड को ना ट्रेन कर देगा, इतना पेन खड़ा कर देगा कि वो चीज आप 100% दूर हो जाएंगे। और कभी कभार लिखते हुए अगर आप रोने भी लगे तो कोई बात नहीं, बट इमोशन डाल कर लिखिएगा, वो चीज आपकी लाइफ से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और आधा अधूरा नहीं अगर करे तो पूरा कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, ये तो बात थी कोई चीज को जिंदगी से हटाने की, मगर अगर कोई चीज को शुरू करना है तो उसके लिए क्या करना, एग्जैक्टली ऑपोजिट, यानी कि आपको उसके लिए प्लेजर जोड़ना पड़ेगा, सुख जोड़ना पड़ेगा। आपको सिंपली इतना ही करना है, अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, डाइट शुरू करना चाहते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो वो करने का कितना फायदा है उसका लिस्ट बनाइए। उससे आपकी लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी,
कैसे आपकी हेल्थ अच्छी होंगी, कैसे आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, आपका लाइफ कैसे सुधर जाएगा, उसका लिस्ट बनाइए आने वाले 7 दिनों तक। एंड ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उसको करना, उसे अमल में रखना आपके लिए बहुत आसान होना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ यू चेंज योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। ये पेन प्लेजर का प्रिंसिपल समझ लीजिए आज अपने दिमाग में, और वही है जो आपको एक्शन लेने के लिए हेल्प करने वाला है। यही साइकोलॉजी है, और अगर आप ये समझ चुके हैं तो आप अपनी जिंदगी के साइकोलॉजिस्ट बन चुके हैं, और आज से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। स्नैप थिंक कि क्या है जो आप शुरू करना चाहते हैं। सी, अब इस सेमिनार में मेरे पास कुछ 12-13 मिनट बाकी है, बट इस 12-13 मिनट के दौरान मैं जानना चाहता हूं कि बिफोर आई एंड आप कौन सी चीज पर एक्शन लेने वाले हैं। क्या है जो अभी तक आपने नहीं किया था, आपको मालूम है कि करना जरूरी है, और आज से आप शुरू करने के लिए जा रहे हैं। सी फ्रेंड्स, बदलाव लाने के लिए बरसों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्षण काफी है बदलाव के लिए। मगर वो क्षण कब होगा वो तो आपके हाथ में है। अगर वो क्षण आज है तो डिसाइड कीजिए और लिखिए कमेंट में कि क्या है जो आज से आप शुरू करने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, चलिए मैं ही शुरुआत कर देता हूं। मैं हफ्ते में 5 दिन मेडिटेशन कर पाता हूं, लेकिन आज से मैं एक नया डिसीजन ले रहा हूं कि मैं हफ्ते में 7 दिन मेडिटेशन करने वाला हूं। ये मेरा डिसीजन है। चलिए अब आपका डिसीजन बताइए कि आप क्या है जो शुरू करने वाले हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो सकता है, चाहे फैमिली को वक्त देना हो सकता है। डिसाइड समथिंग और लिस्ट बनाइए उसके फायदे। और जब वो आप लिस्ट बनाएंगे, यू नो इट्स गोना बी अमेजिंग। इट्स गोना बी अमेजिंग कि जब आप रेडी हो जाएंगे बदलाव के लिए, आपका माइंड रेडी हो जाएगा वो करने के लिए, और जो वो डिसीजन आपने लिया है वो अपने तक सीमित ना रखिएगा। मैं तो कहूं अपने फैमिली में आसपास 10-15 लोगों को, सबको बता दीजिएगा कि आप आज से क्या शुरू करने वाले हैं। वो आपको हेल्प करेगा एक्शन लेने के लिए। अब दोस्तों, जो आखिरी पॉइंट है जो आज के सेमिनार में मैं आपको सिखाना चाहता हूं, दैट इज नथिंग फॉर फ्री। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला है। सी, आप सोच रहे होंगे कि सर ये सेमिनार तो हम फ्री में अटेंड कर रहे हैं। ओके, वेट दोस्तों, सच कहूं, आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि जिसकी बदौलत आज आप ये सेमिनार देख पा रहे हैं। सबको मौका नहीं मिल रहा है इस सेमिनार को देखने का। अगर आप उन लोगों में से है कि जहां पर आप ब्लेस्ड है, आपके कुछ अच्छे कर्म है जिसका आज आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, आपको मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है इस सेमिनार के लिए। सच कहूं तो आपको अपने ही अच्छे कर्म और अभी तक के अच्छे एक्शंस को थैंकफुल होने की जरूरत है। फ्रेंड्स, जब मैंने ये कहा, लेट मी गिव यू एन अमेजिंग एग्जांपल। एक बच्चा 17-18 साल की उम्र पे अलग अलग जगह भटक रहा था चीजों को बेचने के लिए। वो अनाथ बच्चा था। एक घर पहुंचा और एक लेडी ने दरवाजा खोला और वो कहता है कि मैडम, मेरे पास ऐसी कोई वस्तुएं हैं कि आप कुछ खरीदना चाहेंगे। वो लेडी जवाब देते हैं कि बेटा, बाहर काफी धूप है, तो पसीना पसीना हो रखा है, आ जरा अंदर आ जा, बैठ कर बता। उसने बताना शुरू किया, और जिस दौरान दोस्तों जब वो बताते हैं, तब बीच में कहता है वो कि क्या मुझे आधा ग्लास पानी मिलेगा, काफी प्यास लगी है। वो लेडी कहते हैं, पानी क्यों, मैं तुझे खाना देती हूं तो काफी भूखा भी लगता है। बोले, नहीं नहीं, सिर्फ पानी चलेगा। वो लेडी अपने रूम में गए और किचन में से उन्होंने एक ग्लास दूध का भर के लेकर आए, और वो जब दूध का ग्लास भरकर लेकर आए, वो बच्चे ने दूध पिया तो उसकी प्यास भी बुझी, थोड़ी भूख भी बुझी, और वो खुशी खुशी अपनी रास्ते आगे चल दिया। अब ये लेडी जो है वो अकेले रहते थे, उनकी उम्र काफी थी। कुछ वक्त के बाद उनको कोई बड़ी बीमारी हुई, पड़ोसियों ने जाकर के उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, और जब वो हॉस्पिटल में थे तब उनको सवाल ये नहीं था कि वो ठीक होंगे या नहीं, मगर सवाल ये था कि हॉस्पिटल का खर्चा वो कैसे मैनेज करेंगे। और फ्रेंड्स, जब 5वें दिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, उनको उनका बिल मिला, और उसमें क्या लिखा था पता है? पेड, और नीचे लिखा था थैंक्स फॉर द मिल्क। फ्रेंड्स, मतलब ये हुआ कि वो लेडी ने कुछ बरसों पहले उस बच्चे को जो ये दूध दिया था, जो कभी भूखा उनके घर आया था, वो बच्चा तब तक कुछ ऐसी तरक्की कर चुका था कि कहीं इस हॉस्पिटल के बारे में उसे पता चला, ये लेडी के बारे में पता चला, और जाकर के उसने सामने से चल के उसका बिल पे कर दिया। क्या मतलब है पता है इस स्टोरी का? कि आप लाइफ में जब भी कुछ अच्छा करोगे ना, किसी के लिए भी, तो वो कभी खाली नहीं जाएगा। भले वो इंसान से डायरेक्ट रिटर्न आपको ना मिले,
बट वो आज नहीं तो कल कोई ना कोई अलग अलग रूप से तो रिटर्न आपको मिलने ही वाला है। फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल बहुत बरसों पहले महाभारत में हमने देखा कि जब भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का वध किए और चक्र वापस आके जब गायब हुआ, उनकी उंगली पर देयर वाज अ कट एंड अ ड्रॉप ऑफ अ ब्लड। सभी देख रहे थे, मगर द्रौपदी दौड़ कर आते हैं और वो कृष्ण की उंगली पर यू नो खून रोकने के लिए जब वो एक छोटा सा साड़ी का टुकड़ा बांधे, तो भगवान ने कहा कि बहन, तूने मुझे जो कपड़ा दिया है, जब उसका सही वक्त आएगा तब मैं तुझे वो वापस लौटाऊंगा। और यारो, भगवान ने वो वापस लौटाया कब? हाँ, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब। जब द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ तब जाकर के कृष्ण वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपना वादा निभाया। दोस्तों, ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी ने भगवान के अकाउंट में डिपॉजिट करके रखा हुआ था। एग्जैक्टली वैसे आप जब भी किसी की मदद करते हैं, अगर वो इंसान आपको डायरेक्ट रिटर्न ना दे तो इसका मतलब ये है कि नेचर के, कुदरत के अकाउंट में वो डिपॉजिट हो गया है। डोंट वरी, वक्त आने पर प्रॉब्लम वाली परिस्थितियों में आपको उसका सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो कभी भी जब देने का मौका है तो दीजिए, उसमें एक्शन लीजिए। सी, मैं आपको जो एक्शन लेने के लिए समझा रहा हूं, तो वो एक्शन सिर्फ अपने फायदे के लिए ना, ऐसा नहीं है। आप दूसरों के लिए भी एक्शंस ले सकते हैं, चाहे वो आपका फैमिली हो, दोस्त हो, पड़ोसी, मैं तो कहूं कोई अनजान इंसान ही क्यों ना हो। अगर एक अनजान इंसान को भी कभी आप 2 रुपए की हेल्प कर लेते हैं, या फिर किसी को 2 अच्छे शब्द बता देते हैं, या फिर मैं कहूं कि कोई रास्ता खोज रहे उसे रास्ता दिखा देते हैं, किसी को नॉलेज देना, किसी के लिए प्रार्थना करना, या फिर दोस्तों किसी को कुछ गाइडेंस देना, वो जो भी है, बट आप जब भी किसी और के लिए कुछ करेंगे, रिमेंबर वन थिंग कि नेचर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है। सी, आज मैं ये जो प्रोग्राम ले रहा हूं, मेरा भी यही पर्पस है। आप मेरे कृष्ण कथा के प्रोग्राम, डायनेमिक योगा के प्रोग्राम, यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा मेरे दूसरे वीडियोस हैं जो देख पाएंगे। इसी वजह से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं गए हैं तो जो फेसबुक पर है वो जरूर उसे सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर जाकर, और जो यूट्यूब पर ऑलरेडी मुझे देख रहे हैं उन्होंने अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल बटन दबा दीजिए जिससे मेरे नए वीडियोज आए तो आपको पहले देखने को मिले। बट फ्रेंड्स, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने सारे वीडियोज इसलिए फ्री जस्ट बिकॉज कि मैं बस एक अच्छा कर्म करना चाहता हूं, उससे आपकी लाइफ में जितने भी बड़े बदलाव आएंगे वो तो आपके ही है, बट मैं ये चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मैं नियमित बन सकूं लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, बिकॉज इस प्रिंसिपल को मैं बरसों से फॉलो करता हूं। और आज 1 साल में 100 दिन से ज्यादा मैंने फ्री प्रोग्राम्स दिए हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं जानता हूं कि भले मैं फ्री दे रहा हूं मगर वो आज नहीं तो कल मल्टीप्लाई होके मेरी जिंदगी में वापस आने ही वाला है। वैसे ऑलरेडी कमेंट्स में जो भी चीजें आप लिख रहे हैं, उससे जो मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है, उससे जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं, वो भी तो मेरी कमाई है। सी, मैं सच कहूं, 1-2 लोग कहीं कुछ आगे पीछे उल्टा फुल्टा भी लिखते हैं, मगर कभी उनकी परवाह नहीं करनी है। ऐसे लोग अपने आसपास समाज में मिलते रहते हैं। हमें तो बस एक ही काम करना है कि हमें जो अच्छा कह रहे हैं, हमें जो थैंकफुल हो रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं जब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमें वो काम करते रहना है। और अगर कोई ना देखने वाला हो तो भी करते रहना है। सो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ एक दुकान में गया। बच्चे की नजर चॉकलेट्स के ऊपर थी। दुकानदार ने कहा कि बेटा, डिब्बा खोल करके अपनी मर्जी से जितना मन करे चॉकलेट ले लो। बच्चा कहता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी देर के बाद दुकानदार ने वापस कहा, बेटा तुम खुद ले लो, मम्मी कुछ नहीं कहेंगे, नहीं डांटेंगे, मैं कह रहा हूं तुम ले लो अपने हाथों से। बच्चा कहता है, नहीं, मैं नहीं लूंगा। थोड़ी देर के बाद जब वो दुकानदार ने अपने हाथों से चॉकलेट्स निकाल कर दी तो बच्चे ने खुशी खुशी अपनी बैग में भर ली। अब जब बच्चा अपनी मम्मी के साथ दुकान के बाहर गया, मम्मी ने कहा, बेटा जब तुमने पहले चॉकलेट्स के लिए मना किया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ तुम्हारे ऊपर, मगर फिर जब वो दुकानदार ने दिया तब तुमने क्यों ले लिया? और तब वो बच्चा बहुत ही सुंदर जवाब देता है, मम्मी अगर मैं अपने हाथों से लेता तो उतनी नहीं मिलती चॉकलेट्स जितनी मुझे चाहिए थी,
और जब अंकल ने अपने हाथों से दिया तो अपने बड़े हाथों से उतनी चॉकलेट्स मुझे दी जितनी मुझे चाहिए थी। एग्जैक्टली वैसे जब आप अपनी मेहनत से कमाएंगे ना तो हमारे हाथ के मुताबिक तो मिलेगा, लेकिन हमने अगर उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके रखा होगा, ईश्वर के बैंक अकाउंट में, तो जब वो उनके हाथों से देते हैं तो यारो हमें अपनी आशाओं से भी कई गुना ज्यादा मिलता है। सो आज के सेमिनार में हमने जाना है एक्शन लेना, हमने जाना है कि फियर को तोड़कर एक्शन लेना है, ज्यादा डिमांड करना है, हमने जाना है कि कैसे पेन प्लेजर प्रिंसिपल हमारी लाइफ में एक्शन लेने के लिए हमें हेल्प करता है, और ये सारी चीज अल्टीमेटली हमें एक सक्सेसफुल लाइफ की ओर लेकर जा रही है, और उससे भी बढ़कर। हमने जाना कि जब भी मौका मिले हम किसी न किसी की मदद करें, क्योंकि कभी भी दिया हुआ खाली नहीं जाने वाला है। अब फ्रेंड्स यहां पर बिफोर आई एंड दिस सेमिनार, जब मेरे पास अब 4 मिनट बाकी है, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सफलता सोचना नहीं है। सफलता अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो आपको नहीं मिलने वाली है। आपको जो करने की जरूरत है वो है डूइंग डूइंग एंड डूइंग। सो इन द कमेंट, कम ऑन गाइस, यू नो मैं ये शब्द सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं लिखा हुआ, कि जब अगर आपको दिमाग में बैठा है पूरे इस 1 घंटे के सेमिनार से कोई एक शब्द भी जो आपको यहां से लेकर जाना है, तो वो है डूइंग डूइंग एंड डूइंग। कम ऑन, राइट इट डाउन देयर। वो जब आप लिखेंगे तो वो अंदर लिख दीजिए, ना कि सिर्फ कमेंट में, बट अपने अंदर छाप दीजिए कि हाँ, टेकिंग एक्शन से ही मुझे आगे लेकर जाएगा, डूइंग ही मुझे सफलता की ओर लेकर जाने वाला है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट, अगर आप 1 घंटे से मुझे यहां पर सुन रहे हैं, दिस इज अ ग्रेट थिंग। कितने लोगों के पास आज धीरज भी है 1 घंटे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, यू नो, इतना इंटरेस्ट से सुनना, बट आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस। एंड फ्रेंड्स मुझे बहुत खुशी है साथ ही साथ ये शेयर करने में कि मैं अहमदाबाद में अपने नए प्रोग्राम को लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है चेंज योर लाइफ। मेरा सिग्नेचर इवेंट है और अहमदाबाद में उसके सेमिनार्स 7 से 10 जनवरी के बीच में होने वाले हैं, और वर्कशॉप जो है वो 12th-13th जनवरी का वर्कशॉप है। अगर आप अहमदाबाद रहते हैं तो आप जरूर आइए, और अगर आप कोई दूसरे शहरों में है अहमदाबाद ट्रैवल कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। इफ नॉट तो मैं जरूर कहूंगा कि अहमदाबाद में आपके कोई दोस्त रिश्तेदार है तो जरूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। बट मैं आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहता हूं फ्रेंड्स। यहां पर अगर आप अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में आपका घर है, दुकान है, ऑफिस है, कुछ भी है, तो मैं आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहता हूं। एंड दैट इज कि सच कहूं, आज जब हम अलग अलग किस्म की एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, चाहे होर्डिंग्स भी लगा दे, तो भी लोगों को इतना कन्विंसिंग नहीं लगता कि ये चीजें उनके लाइफ में बदलाव ला सकती है। मुझे ये लगता है कि जब आप जो मेरे प्रोग्राम्स पहले भी अटेंड कर चुके हैं, अगर आपने कुछ फायदा पाया है, तो आपका किसी को कहना कि भाई इस प्रोग्राम को अटेंड करो, फॉर श्योर उन्हें कन्विंस करता है। बिकॉज किसी का कहना वो सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट है, और जिसमें मैं आपका साथ चाहता हूं। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, अगर आप चाहे तो इन्विटेशन पासिस इस प्रोग्राम के मैं आपके घर और आपके ऑफिस भिजवा सकता हूं। अगर आप कोई बैनर या कोई होर्डिंग लगवाना चाहे अपनी दुकान के बाहर या रेस्टोरेंट पे, तो वो मैं बैनर्स आपको भिजवा सकता हूं। मगर उसके लिए अगर आप ये करना चाहते हैं और हमें साथ देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये जो फोन नंबर यहां पर कॉल वाला लिखा हुआ है, उस फोन नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं, 9904004444, और लास्ट डिजिट 5 और 6 भी चेंज किया जा सकता है। आप कॉल करके हमें बताइए कि आपको कितने इनविटेशन पासेस चाहिए, जिसमें आप अपने फैमिली फ्रेंड सोसाइटी में या अपने ग्रुप में वो इनविटेशन पासेस को डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, और ये इनविटेशन पासेस मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और ऐसे छोटे छोटे बैनर्स हैं जो आप अपनी सोसाइटी में या फिर आप अपने कहीं आसपास दुकान पर लगा सकते हैं, और इवन अगर आप बड़े बैनर्स लगा सकते हैं, दैट कैन आल्सो बी ग्रेट, बट दिस इज ह्यूज, ये तो मेरे स्क्रीन में भी नहीं आने वाला है। ओ माय गॉड, आई एम गॉन। सो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें से कुछ भी जो आपको लगता है हमें कॉल कीजिए और हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप अहमदाबाद में नहीं है तो भी मैं कहना चाहूंगा कि आप कोई दूसरे तरीके से भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, दैट इज व्हाट्सएप। फ्रेंड्स ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें कोड लिखा हुआ भेजिए, और वो कोड है CYL
AMD यानी कि अहमदाबाद का शॉर्ट फॉर्म सपोर्ट। अगर आप इतना हमारे WhatsApp पर भेजेंगे तो हम आपको WhatsApp के ऊपर वो इनविटेशन पास का फोटो भेज देंगे और कुछ वीडियोस भेज देंगे जो आप अपने ग्रुप में सभी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हैं और एक अच्छे काम को, एक अच्छे कॉज को सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने आज यहां से कुछ पाया है तो जरूर हमारी भी हेल्प कीजिए कि जिससे इस पॉजिटिव मैसेजेस को हम और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो या तो आप हमें कॉल कीजिए या तो WhatsApp कीजिए। एंड फॉर श्योर फ्रेंड्स, आपके द्वारा हम और लोगों तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, टैग कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। और इसी तरह से मैं बहुत सारी नई नई चीजें हैं जो आपके लिए लेकर आने वाला हूं ऑन रेगुलर बेसिस। बट फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट, अगर आपने अभी भी हमारा डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप ना देखा हो, ना खरीदा हो, एंड इफ यू डोंट नो दिस तो मैं बता दूं, जो 6000 रुपए का कभी वर्कशॉप हुआ करता था वो सिर्फ 199 में मैंने 8 दिनों का एक ऑफर रखा हुआ है जो आप खरीद सकते हैं। और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट्स में डाल दूंगा, और आप जाके चेक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल, अभी ऑलरेडी बहुत सारे लोग खरीदना शुरू कर चुके हैं। आप मिस ना कीजिएगा इस ऑफर को। फ्रेंड्स, यू नो एक घंटे से ज्यादा हो चुका है, 1 घंटे 2 मिनट जा चुकी है। सो आई एम साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल लाइफ, हैव अ वंडरफुल न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस।